हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो स्प्रे एरिएटर है। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्प्रे एरिएटर होता क्या है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए और इसको समझिए कि स्प्रे एरिएटर होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसको देखने के लिए कहाँ कहाँ पर ये मिलता है। स्प्रे एरिएटर कहते किसको हैं, तो स्प्रे एरिएटर क्या होता है, स्प्रे एरिएटर एक या एक से अधिक स्प्रे नोजल होते हैं जो एक पाइप मैनिफोल्ड से जुड़े होते हैं। पाइप मैनिफोल्ड मतलब क्या होता है कि उसमें वाल भी होती हैं जो इससे सिरी जाती है और पाइप आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पाइप मैनिफोल्ड से जुड़े होते हैं जो पानी के दबाव के माध्यम से चलता है। उस जो कोई भी पाइप है तो उसके अंदर क्या होती है, जो पानी होता है वो प्रेशराइज होती है, प्रेशराइज वाटर जो होता है वो पाइप के अंदर चलता है, जिससे जो नोजल होती है प्रत्येक नोजल में क्या होती है, महीन स्प्रे, जो पानी का एक महीन स्प्रे निकलता है, ठीक है, जिससे आसपास की जो हवा होती है, हवा उसमें मिक्स होती रहती है, जिससे एक फब्बारा जैसा दिखने में प्रतीत होता है और फब्बारा पैदा होता है, ठीक है, ये होता है स्प्रे एरिएटर। स्प्रे एरिएटर का सिद्धांतों को समझा जाए और इसके डिजाइन को समझा जाए, स्प्रे एरिएटर जो होते हैं वो एक क्या है, स्प्रे नोजल होते हैं, क्या होते हैं, स्प्रे नोजल होते हैं जो पाइपों से या मैनिफोल्ड से जो जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो वाटर है उसको स्प्रे करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कॉन्टेक्ट में लाना। तो जो स्प्रे एरिएटर होता है उसका जो वर्क क्या होता है, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करना और जो ऑक्सीजन होती है उसको ऐड करना, जिससे जो पानी की जो क्वालिटी है वो बेटर हो सके। तो इसका जो यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं स्प्रे एरिएटर का, तो जैसे देखा जाए तो किसी चौक या चौराहे पे स्प्रे एरिएटर का यूज़ किया जाता है कि पानी को जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे और जो सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल रहे, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्प्रे करते हैं कि जो भी वहाँ जो भी पानी में जो डिजॉल्व जो गैसेस हैं वो रिमूव होती रहें और सराउंडिंग की जो एटमॉस्फेयर हो अच्छा बना रहे। इंडस्ट्री में और जिसको यूज़ करते हैं तो जो भी वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्प्रे एरिएटर लगाया जाता है। और इसमें क्या होती है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या H2S जो भी जो डिजॉल्व जो गैसेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और इसके अंदर जो होती है एयर और वाटर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये होते हैं तो इसके प्रिंसिपल्स। और इसकी और डिज़ाइन की बात की जाए तो ये कैसे हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, इसको किसी भी शेप में बनाया जा सकता है। स्प्रे एरिएटर को कहीं लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले कुछ इसकी लिमिटेशन है कि इसको कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे कि आमतौर पर देखा जाए तो इसको लगाने के लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है, कितने होती है, जो एरिया होता है वो ज़्यादा की ज़रूरत होती है। जो ठंड का मौसम होता है तो उसमें क्या है, इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ जहाँ पर इन्वायरमेंट में धूल है या पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और जो पानी का जो फैलाव होता है, पानी का जो स्प्रे होता है उसको कलेक्ट करने के लिए उसी हिसाब से उसकी डिजाइन की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने एरिया में बना रहे हैं उससे उसका नोजल रहे कि उतने एरिया में उसका वाटर का स्प्रे हो। स्प्रे एरिएटर के द्वारा जो होता है आयरन और मैंगनीज के ऑक्सीकरण प्रोसेस में भी ये अच्छा काम करते हैं और जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है इसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने स्प्रे एरिएटर को जाना, इसके सिद्धांतों को समझा, इसको लगाने के लिए जो लिमिटेशन होती है उसको समझा, ठीक है। ये था आज का सेशन, ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।